Assalamualaikum students, welcome to the online classes. How are you all? I hope you all are fine and being stay at home with your loved one. I hope आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, अपने घरों में होंगे और बिल्कुल अपने जो है वो फायदे से होंगे अपने घरों में. But being a responsible teacher and a responsible citizen, I humbly request you all kindly keep very good care of your personal hygiene and your surrounding. बट बींग अ टीचर और बींग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करना चाहूँगी और आप लोगों से रिक्वेस्ट है काइंडली अपने घरों में रहें. बेशक आप लोग अपने घरों में रह रहे होंगे और आपके बिल्कुल छोटे बच्चे हैं तो आपने जो है वो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, अपने जो है वो बहुत ज़्यादा केयर करनी है, अपने पेरेंट्स की बात को सुनना है. अगर वो मना करें आपको बाहर जाने से तो आपने बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना. ओके, दिस इज सना अहमद, आपकी जो है मैं टीचर हूँ. मैं आप लोग की जो है वो मैं साइंस की क्लास लूँगी और जो है आपकी आपने जो है आज से स्टार्ट करनी है, अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है. आपने जो है अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा जो है अब सीरियस लेना है क्योंकि बहुत ज़्यादा वैसे ही हमारा जो है लॉस हो चुका है. अब हमें और नहीं करना और हमें अपनी पढ़ाई पे भी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना है. ओके क्लास, तो अब जो है आप जो है अपनी साइंस की कॉपी लेंगे. आपकी साइंस की कॉपी नंबर है 6, आपके सामने मैंने आपको दिखाया है आपकी कॉपी नंबर साइंस की है 6. उसमें आप लोग जो है आपने पहला काम आपने ये करना है कि आपने अपनी कॉपीज़ एंड बुक्स तमाम बुक्स एंड कॉपीज़ को आपने कवर करना है, आपने प्लास्टिक कवर करना है ताकि आपकी कॉपीज़ एंड बुक्स जो है वो बिल्कुल सेफ रहें, ख़राब ना हो. ओके, तो क्लास आपने अपने जो है बस आपने कॉपी नंबर साइंस की जो है आपकी कॉपी नंबर 6 है, आपने अपनी कॉपी नंबर 6 निकाली. उसमें आपने कॉपी ओपन की, उसमें आपके पास फर्स्ट पेज आया. फर्स्ट पेज पर आपने करना ये है कि आपने नेम लिखना है. नेम लिखने के बाद आपने क्लास लिखनी है, जो भी आपका नेम है आपने वो लिखना है. क्लास हमारी 2 है, हमने 2 क्लास लिखी. सेक्शन आपने करना ये है कि आपने सेक्शन में जो बच्चा 1A में था अब वो 2A में आया, जो 1B में था वो 2B में आया, जो 1C में था वो 2C में आया. तो आपने सेक्शन अपने इस तरीके से लिखने हैं और जो न्यू एडमिशन बच्चे हैं वो अपने सेक्शन वाली जगह जो है वो स्किप कर दें, अभी छोड़ दें उस जगह को, क्योंकि जब आप स्कूल आएंगे तो फिर हम आपको जो है वो पता चल जाएगा कि आप कौन से सेक्शन के. ओके क्लास, तो आपने जो है वो सब्जेक्ट हमारा है साइंस. जल्दी से आपने जो है इसे कॉपी डाउन करना है. उसके बाद आपने पेज टर्न करना है. पेज टर्न करने के बाद नेम क्लास सेक्शन लिखने के बाद आपने पेज टर्न करना है. आपके सामने ब्लैंक पेज आएगा. ब्लैंक पेज पर आपने फर्स्ट टर्म की हेडिंग डालनी है. फर्स्ट टर्म की स्पेलिंग भी आपके सामने लिखी हुई है. उसके बाद आपने उसी के सामने लाइंस वाले पेज पे आपने मंथ ऑफ जून की हेडिंग डालनी है. मंथ ऑफ जून हमारा आपके सामने है, आपने मंथ ऑफ जून जो है उसकी हेडिंग डालनी है. मंथ ऑफ जून की हेडिंग डालने के बाद आप कॉपी को जो है वो बंद कर देंगे. आप बिल्कुल आपने जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में आपने ये हेडिंग डालनी है. आप चाहें तो ब्लू कलर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप लोग पेंसिल यूज़ करें, ब्लू कलर यूज़ करना जो है अवॉइड करें, ताकि अभी जो है आपको काफ़ी टाइम बाद आप काम कर रहे हैं ना, तो आप जो है वो आसानी से पेंसिल से लिख सकते हैं. ओके, उसके बाद आपने एक्स्ट्रा लेक्चर करवा लें. क्लास अब आपने अपनी बुक की तरफ आना है. कॉपी में आज जो है इतना ही काम हमने करना था कि आज हमने जो है वो फर्स्ट पेज पे हमने जो है वो क्लास सेक्शन ये सब लिखा. आपने जो है फर्स्ट टर्म की हेडिंग डाली, मंथ ऑफ जून की हेडिंग डाली और हमने जो है आज हमने कॉपी में सिर्फ यही काम किया. ओके, नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है वो आगे काम करेंगे. फिलहाल जो है हमने इतना हेडिंग्स डाली और जिन्होंने भी है और नहीं डाली हैं तो आप लोग जो है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन राइटिंग में डालेंगे. उसके बाद आप लोग बुक पे आएंगे. बुक आप लोग साइंस की निकालेंगे. साइंस की बुक पेज नंबर है हमारा, यूनिट है हमारा आवर सेंसेस. आपने आवर सेंसेस यूनिट निकालना है. आवर सेंसेस यूनिट आपके सामने बिल्कुल यूनिट नंबर 4 है आवर सेंसेस, लेकिन कॉपी में हमारे ये यूनिट नंबर 1 ही है. बुक के हिसाब से ये यूनिट 4 है, लेकिन हमारी कॉपी के हिसाब से ये यूनिट नंबर 1 ही है. इस यूनिट का नाम है आवर सेंसेस. सेंसेस किसे कहते हैं? सेंसेस कहते हैं हिस को, फील करने को, जो चीज़ हम फील करते हैं. जैसे कि
आप लोग के माइंड में आएगा कि सेंसेस होते कितने हैं और कौन से होंगे। आपने अपन क्लास में भी पढ़ा होगा, लेकिन मैं फिर से आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। फाइव सेंसेस होते हैं, फाइव टाइप्स होती हैं सेंसेस की। नंबर वन साइट मतलब देखना, साउंड। नंबर टू साउंड मतलब कि सुनना, जैसे कि आप अभी मुझे सुन रहे हैं। स्मेल, किसी भी चीज़ को सूंघना, स्मेल करना। नंबर फोर टेस्ट। नंबर फाइव टच। तो ये क्या है, ये फाइव सेंसेस हैं। ईच वन ऑफ देम इज इम्पॉर्टेंट। ये सारे सेंसेस जो है, फाइव सेंसेस जो हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हर एक जो है वो अपनी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है हमारी ज़िंदगी में, हमारे जो है इनके बगैर जो हम कोई काम नहीं कर सकते। Why senses are important? Senses क्यों important है? Your senses are important because they protect you. Senses इसलिए important है क्योंकि ये हमें जो है वो protect करते हैं। Protect किस तरीके से करते हैं आपके mind में होगा, तो your, अब हम ये देखेंगे, ये पढ़ते हैं। Your eyes help you see where you are going. आपकी eyes जो है वो आपको help करती हैं कि आप किस तरफ जो है वो जा रहे हैं, आपको किस तरफ जो है वो जाना है। आपकी आई जो है आपकी इस हेल्प, ये हेल्प करती है। मतलब कि फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई और एग्जांपल लेना चाहेंगे, आपके सामने पिक्चर में भी आ रहा है कि अगर जैसे कि आप चले जा रहे हैं और आपको सामने नहीं पता कि बॉल आ रही है या कोई भी चीज़ आ रही है, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई गाड़ी आ रही है और हमें नहीं पता चल रहा हो आगे से, क्योंकि हम अगर अल्लाह ना करे, अगर हम नहीं देख सकते, अगर हमारे पास देखने का सेंस नहीं होता तो हमें कैसे पता चलता कि आगे कोई चीज़ आ रही है, हमें उस तरफ नहीं जाना। तो हमारे जो है ये आईज, देखने का सेंस जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमारी प्रोटेक्शन करता है कि अगर आगे कोई भी चीज़ होती है, हमें फ़ौरन से नज़र आती है और हम जो है वो साइड से हट के दूसरी साइड पे चलना शुरू कर देते हैं। योर ईयर्स हेल्प यू हेयर व्हेन थिंग्स आर कमिंग टूवर्ड्स यू। आपके ईयर मतलब आपके कान जो है वो आपको हेल्प करते हैं सुनने के लिए, जब जो है कोई चीज़ आपकी तरफ आ रही हो, जैसे कि आप चलते जा रहे हैं और आपको पीछे की तरफ, आप तो देख नहीं रहे ना, लेकिन आपको जो है आवाज़ से भी आपको पता चल सकता है कि भाई मुझे इस तरफ नहीं जा, मुझे जो है वो पीछे मुड़ के देखना चाहिए, कोई चीज़ आ रही है या साइड पे होना चाहिए। जैसे कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जो है गाय आ रही है और पता नहीं है, और हम लोग जो है वो चलते जा रहे हैं, एकदम से जो है वो हमें जो है गाय जो पीछे से आके वो पुश करेगी, एकदम से हम गिर सकते हैं, हमें चोट लग सकती है। तो हमें जो है हमारे सुनने के सेंस जो है ये हमें हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल अगर गाड़ी है पीछे से, अगर हमारे जो है वो गाड़ी आ रही है और हम चलते जा रहे हैं, तो गाड़ी के हॉर्न से हमें पता चलेगा कि हमें पीछे मुड़ के देखना है और हमें जो है वो साइड पे चलना है, हमें इस तरफ नहीं जाना। ओके, तो ये हमारे जो है नंबर टू सेंस था, देखने का और सुनने का। नंबर थ्री आ गया हमारे पास, योर आइज, योर नोज हेल्प यू स्मेल थिंग्स लाइक स्मोक। हमारी नोज जो है वो हमें हेल्प करती है स्मेल करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई चीज़ जल रही होती है तो हमें फ़ौरन पता चलता है कि ये चीज़ जल रही है। तो जैसे कि आपने अपनी मदर को भी देखा होगा कि अगर वो किचन में कोई चीज़ रख के आती है चूल्हे पे, तो फ़ौरन से जो है अगर कोई स्मेल अगर आ जाए तो वो फ़ौरन किचन की तरफ भागती हैं और जो है वो चूल्हे को बंद करती हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि कोई चीज़ जल रही है। और पता कैसे चलता है उन्हें स्मेल करने से, और उनकी जो है वो नोज़ हेल्प कर रही होती है, उनका सेंस बताता है कि भाई कोई चीज़ जो है वो जल रही है। या अगर मैं आपकी जो है वो रूम में, अगर आपकी जो है वो बॉडी स्प्रे कोई करे या परफ्यूम करे, तो आपको फ़ौरन से उससे भी पता चलता है कि ये बॉडी स्प्रे यूज़ किया गया है या कोई भी चीज़ यूज़ की गई है। योर टंग सेंसेस व्हेन समथिंग इज़ नॉट गुड टू ईट। आपके टंग का सेंस जो है, मतलब कि आपके जो है टेस्ट करने का सेंस जो है, वो आपको बताता है कि ये चीज़ अच्छी है खाने के लिए या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग जो है वो लेमन खाते हैं, तो आपको फ़ौरन से, आपको टेस्ट करने से ही आपको पता चलता है कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खट्टा है, इसके जो है वो बहुत ज़्यादा जो है फ्लेवर चेंज आ रहा होता है। या अगर आप कभी भी जैसे कि बिरयानी खा रहे होते हैं, कोई भी चीज़ खा रहे होते हैं, तो आपको टेस्ट करने से पता चलता है, शक्ल से वो सही लग रही होती है, लेकिन जब आप टेस्ट करते हैं तो आपको जो है वो टेस्ट करने से पता चलता है कि ये बहुत ज़्यादा क्या है, स्पाइसी है। तो इस तरीके से जो है वो हमें चीज़ों का देखने से नहीं, तो हमें जो है वो टेस्ट करने से ज़रूर पता चलता है। नंबर फाइव हमारे पास सेंस है, योर सेंस ऑफ टच मीन्स यू डू नॉट पिक अप थिंग्स दैट आर टू हॉट और टू शार्प। आपका सेंस जो है वो टच करने का, मतलब कि वो आप जो है इस चीज़ को पिक नहीं कर सकते, आपको जो है ये बहुत ज़्यादा शार्प है, ये हॉट है। मतलब फॉर एग्जाम्पल
कोई भी गर्म पॉट हो, हॉट पॉट हो, और हमें जो है वो पता ना चल हमें पता ना हो कि ये जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, इसे हाथ नहीं लगाना। लेकिन अगर जैसे ही हम हाथ लगाएंगे फ़ौरन हमें टच करने से पता चल जाएगा कि ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हॉट है या शार्प है, तेज़ है, हमें इस चीज़ को जो है वो हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो ये जो है हमारा सेंस हमें बताता है कि हमें जो है इस चीज़ को टच नहीं करना। तो ये जो थे हमारे 5 सेंसेस थे जो कि मैंने आपको बताए। नंबर 1 सेंस था हमारे पास साइट, नंबर 2 था साउंड, नंबर 3 था स्मेल, नंबर 4 था टेस्ट, नंबर 5 था टच। तो ये 5 सेंसेस जो थे। तो आज का जो हमारा काम था वो यही था कि हमने जो है चैप्टर एक्सप्लेन किया और मैंने आपको कॉपी के बारे में बताया कि आज की जो हमारी जो साइंस की कॉपी है, आपके पास 2 कॉपीज होंगी, तो आपने एक कॉपी को यूज़ करना है, एक कॉपी को साइड में कर लेना है। जब तक एक कॉपी आपकी फिनिश नहीं होगी आपने सेकेंड कॉपी यूज़ नहीं करनी। ओके, तो क्लास आपने जो है एक कॉपी यूज़ करनी है और उसमें आपने फर्स्ट पेज पे अपने नेम, क्लास, बायोडाटा पूरा आपने जो मैंने आपको बताया वो लिखना है। उसके बाद आपने अपनी जो है वो फर्स्ट टर्म का टाइटल पेज बनाया, मंथ ऑफ जून का टाइटल पेज बनाया, और आपने जो है अब बुक की तरफ आए। बुक हमने जो है वो बुक में हमने यूनिट की रीडिंग की, एक्सप्लेनेशन की, आप लोग घर पर भी रीडिंग करेंगे। ओके क्लास, और आपने जो है कॉपी में हमारे सेल्सियस का टाइटल पेज बनाएंगे, जहाँ पर हमने मंथ ऑफ जून का टाइटल पेज बनाया था उसी के सामने वाले पेज पे या नेक्स्ट पेज आप टर्न करेंगे तो आपके पास ब्लैंक पेज आएगा। तो ब्लैंक पेज पे आप क्या करेंगे, हमारे सेंसेस का टाइटल पेज बनाएंगे। ओके क्लास, तो अपना जो है वो बहुत ज़्यादा ख्याल करिए रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।